सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को एक प्रकाश बिनवाल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चाइना के टॉप सेकंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जेजियांग यूनिवर्सिटी। फुडान यूनिवर्सिटी के बाद जेजियांग यूनिवर्सिटी टॉप सेकंड मेडिकल यूनिवर्सिटी है चाइना की। इसके अलावा यदि हम बात करें एशिया की रैंकिंग की, तो जेजियांग यूनिवर्सिटी फिफ्थ पोजीशन पर है, और यदि वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो 107 रैंक के ऊपर है। जेजियांग यूनिवर्सिटी जो है वो 1897 में एस्टैब्लिश हुई जेजियांग प्रोविंस की कैपिटल हांगझू में। यदि हम बात करें तो यह चाइना की एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और हाईली प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन के लिए। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 37 कॉलेजेस, स्कूल्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 140 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और अप्रोक्स 300 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। इसके अलावा यह चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्लास ए डबल फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी है, और यह यांगते डेल्टा यूनिवर्सिटीज अलायंस, एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक रिम यूनिवर्सिटीज, द वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज नेटवर्क, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज और द ग्लोबल यूनिवर्सिटीज नेटवर्क फॉर इनोवेशन की एक्टिव मेंबर भी है। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास में ऑलमोस्ट 7 एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, एक म्यूजियम है, और यदि हम यहाँ फैकल्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 3700 के आसपास की टोटल फैकल्टी है, जिसमें से 1200 फैकल्टी ऐसी है जो प्रोफेसर्स हैं, जिनके पास प्रोफेसर का टाइटल है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो ऑलमोस्ट 65,000 स्टूडेंट्स जेजियांग यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 24,500 स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट की स्टडीज कर रहे हैं, लगभग 29,600 के अप्रोक्स ग्रेजुएशन की स्टडीज कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 10,600 के अप्रोक्स पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं। यदि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जेजियांग यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 7,100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि डिफरेंट कोर्सेज में हैं। इसके अलावा हम यदि इस टॉपिक पे आते हैं कि वहाँ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वहाँ की फीस क्या है, तो जेजियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 12th में स्टूडेंट का 70% होना चाहिए, स्टूडेंट नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, वो अपने 11th के ग्रेड्स के अनुसार भी वहाँ पे अभी अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फीस की यदि हम बात करते हैं तो जेजियांग यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 42,000 आरएमबी पर ईयर है, हॉस्टल फीस 6,000 आरएमबी पर ईयर। उसके अलावा 2,000 आरएमबी मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेके चलते हैं, जिसमें इंश्योरेंस, वीज़ा, मेडिकल तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तो ओवरऑल ये 50,000 आरएमबी पर ईयर बनता है। जेजियांग यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, मैं उन्हें ये अपडेट कर देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें इंटर्नशिप जेजियांग यूनिवर्सिटी से ही करनी पड़ेगी। तो हमें जो फीस पे करना है वो टोटल 6 साल का पे करना पड़ेगा, तो 6 को हमें 50,000 आरएमबी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 3,00,000 आरएमबी बनते हैं। यदि अभी की रेट में, जो कि ऑलमोस्ट 10.75 कन्वर्जन रेट है, यदि हम आरएमबी से इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 10.75 की जो रेट आती है, यदि हम इसको ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक के थ्रू प्रोसेस करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो लास्ट में रेट आएगी वो अप्रॉक्स 11 रुपीज़ के हिसाब से अपने को ऑलमोस्ट लगेगा। तो मैं इसको 11 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3,00,000 मल्टीप्लाई विथ 11, सो टोटल अमाउंट हमारे पास आती है 33,00,000 रुपये। जो कि अब हम 33,00,000 के अलावा हम बात करते हैं फूड, स्टेशनरीज, बुक्स और लोकल ट्रांसपोर्टेशन, और यदि कोई भी स्टूडेंट साल में एक बार कम से कम भी इंडिया आता है तो हमें टोटल कैलकुलेशन करके चलते हैं 1,20,000 रुपये एवरेज एक स्टूडेंट का लगेगा। 6 साल का ऑलमोस्ट 7,20,000 रुपये हमें देना पड़ेगा। तो टोटल यदि हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, पहले फिगर को और दूसरे फिगर को, तो 33,00,000 प्लस 7,20,000 यानी कि ऑलमोस्ट 40,20,000 रुपये टोटल हमारा एक्सपेंसिस आता है, यदि हम जेजियांग यूनिवर्सिटी से एडमिशन करके अपने बीबीएस की स्टडीज करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। यदि आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप अपडेटेड रहें। धन्यवाद।